Hey foodies, hello and welcome to Pakkala. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ 3 different flavors and shapes of momos. और रही बात momos की चटनी की, तो उसकी वीडियो आप लोग आई बटन पर क्लिक करिए, वहाँ जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं. तो जल्दी से अभी हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं. सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चीजी मिंट फ्लेवर मोमोज रेडी कर लेते हैं. इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है और अभी मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर रही हूँ और 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल. और अभी हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है. सॉल्ट और जो ये ऑयल है अच्छे से मिक्स हो जाए. फिर इसमें हम लोग, ये मैंने पुदीने की चटनी ली थी, इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने इसको पतला कर लिया था और इसे अभी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है. अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे इसका जो मिंट फ्लेवर है वो अच्छे डो में आ जाएगा. और अभी मैं इसमें पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी क्योंकि हम लोगों को जो ये मोमोस का डो है वो थोड़ा टाइट रेडी करना है, सॉफ्ट डो रेडी नहीं करेंगे. इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना जिससे जो डो है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा. तो अभी आप लोग देख सकते हो डो अच्छे से रेडी हो गया है मेरा. तो अभी मैं इसको साइड में रख देती हूँ. और यहाँ पर मैंने कद्दूकस की हुई गाजर, लहसुन और ये 2 हरी मिर्च और एक कटी हुई प्याज और ये पत्ता गोभी लिया है. सबको मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया. और ये मैं चीज़ ले रही हूँ यहाँ पर, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, अभी यूज़ नहीं करेंगे. तो सबसे पहले पैन में हम लोग 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें लहसुन, हरी मिर्च, प्याज इसको डाल करके हम लोग अच्छे से सॉटे कर लेंगे. और हम लोगों को इसको गोल्डन ब्राउन करना है. अभी फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है क्योंकि अभी मैं इसमें जो पत्ता गोभी है वो ऐड करने वाली हूँ. तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी ऐड कर लिया, इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ. फिर अब मैं इसमें जो कद्दूकस की हुई गाजर है वो भी ऐड कर लेती हूँ. इसको हम लोगों को ज़्यादा पकाना नहीं है, इसके लिए इसको हम लोग मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे. और अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर दी और 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला. इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए और मैं इसको कुक करूँगी और फिर हम लोग इसको साइड में निकाल लेंगे. तो ये मोमोज का अब जो पूरी है वो मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पर. इसके लिए मैंने ये पूरी बेलिए, इसको आप जितना पतला हो सके उतना बेलिएगा. और इसमें मैंने स्टफिंग भर लिया है और मोज़रेला चीज़ मैंने अब इसमें डाल दिया है. इसको हम लोग 3 टेल्स रैप बोलते हैं. मैं यहाँ पर 3 टेल्स रैप बनाने जा रही हूँ. तो आप लोग देख सकते हो वीडियो में किस तरीके से मैं इसको जॉइंट कर रही हूँ. जो मोमोज का ये जो पूरी होती है आप लोग इसको पतला ही बेलिएगा. तो अभी मैं यहाँ पर पनीर मोमोज रेडी करने के लिए जा रही हूँ. इसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसमें 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1/4 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाला है. इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं. जो मैंने इसमें हल्दी मिक्स करी उससे अच्छा इसमें येलो कलर आ जाएगा. और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसको मैं एकदम टाइट डो हमको इसका रेडी करना है. तो इसका डो रेडी हो चुका है, अब इसकी स्टफिंग रेडी करते हैं. इसके लिए यहाँ पर मैंने सेम पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है, इसमें 1/2 चम्मच के करीब जीरा. इसको अच्छे से भून लेती हूँ पहले जीरे को. और अभी मैं इसमें ये 2 कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन, प्याज, यहाँ मैंने 1 प्याज लिया, इसको मैंने बारीक
बारीक चॉप कर लिया था अच्छे से, और इसको अभी हम लोग अच्छे से सॉटे करेंगे। इसको हम लोगों को गोल्डन होने तक अच्छे से कुक करना है। अभी इसमें मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने ये पनीर था, इसको मैंने कद्दूकस करके रखा हुआ था, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग कुक करेंगे। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है। अभी मैं इसमें टमाटर सबसे एंड में ऐड करूँगी, और यहाँ मैंने इसमें आधा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए हैं, और आधा चम्मच के करीब चीनी बच्चे से मिक्स कर लेती हूँ। और अभी इसमें मैं आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ। ये वाला फ्लेवर आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अभी इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया। इसको हमको ज़्यादा कुक नहीं करना है। अभी मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं इसमें। और इसमें मैं अभी ऑरिगेनो ऐड करूँगी। तो ये लीजिए, स्टफिंग रेडी है। अब यहाँ पर मैं मोमोज के लिए पूरी बेलकर रेडी कर रही हूँ। एकदम पतली पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं एक सबसे छोटी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, फिर थोड़ी उससे बड़ी, ऐसे मैंने इस तरीके से पूरी रेडी करी। आप लोग देख सकते हो इसके जो किनारे हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा वाटर लगा रही हूँ, मैं इसमें पानी लगा रही हूँ। और अभी इसकी जो स्टफिंग है इसमें अच्छे से भर देते हैं। आप लोग वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से इसको उठाते हुए हम लोग जो ये रोज़ रैप बोलते हैं इसको हम लोग ये रेडी कर लेंगे। तो देखिए एकदम रोस्ट जैसा शेप आया है ना, तो इसको भी मैं साइड में रख लेती हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर अपना थर्ड फ्लेवर रेडी कर लेते हैं। इसको मैंने नाम दिया है रोस्ट चॉकलेट मोमोज। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक कप मैदा लिया है, और अभी मैं इसमें ये हाफ टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। और ये यहाँ पर मैंने एक मिक्सचर रेडी किया था, इसके लिए मैंने 7-8 रोज पेटल लिए थे। उसमें एक चम्मच के करीब मैंने पाउडर शुगर और थोड़ा सा दूध डाल के उसको ग्राइंड कर लिया था, जिससे इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा मीठा, और थोड़ा रोज का भी फ्लेवर आएगा इसमें अच्छा। और इसका एकदम अभी टाइट डो रेडी कर लेते हैं। ये वाले मोमोज थोड़े हमारे स्वीट होने वाले हैं, अच्छे मीठे होने वाले हैं एकदम। तो ये देख सकते हो आप लोग, एकदम इसमें पिंक कलर आ गया है। इसको साइड में रख लेती हूँ अभी मैं। और इसकी स्टफिंग में, यहाँ पर स्टफिंग के लिए इसके मैंने बादाम और काजू लिए हैं, उनको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था थोड़ा सा रोस्ट करके। और ये मैंने एकदम पतली इसकी पूरी बेल ली है, ये देख सकते हो आप लोग। इसको मैं इसके अंदर स्टफ कर देती हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं, ये डेरी मिल्क चॉकलेट है, इसको भी मैं इसमें पीसेस करके अच्छे से इसके भर दूंगी। और यहाँ पर मैं बेसिक रोल रैप इसका रेडी करने वाली हूँ मैं। इसके लिए हम लोगों को बस इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, और ये जिसको जो इसके किनारे हैं उनको अच्छे से हम लोग सील कर देंगे। और फिर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो अभी मोमोज रेडी हो गए हैं। तो इसको मैं स्टीम करने के लिए यहाँ पर इस तरह की प्लेट यूज़ कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे छेद हैं। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ अभी, ताकि जो हमारे मोमोज हैं वो स्टीम होने के बाद इस पर चिपके नहीं, इसलिए ऑयल ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और अभी ये मैंने जो मोमोज बना करके रखे हुए थे इसको मैं इसमें रख देती हूँ। अभी मैं साइड में कढ़ाई में 2-3 गिलास पानी डाल करके रखा हुआ है इसको थोड़ा बॉयल होने के लिए। और फ्लेम को मैंने अभी मीडियम कर दिया है। इसमें मोमोज को रख देती हूँ, और ये मैं इसमें परात ले रही हूँ, अच्छे से फिट हो गई है। इसको 15-20 मिनट के लिए हम लोग स्टीम करेंगे। और यहाँ आप लोग देख सकते हो 15-20 मिनट बाद अच्छे से मोमोज स्टीम हो गए हैं। इसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और घंटा भी बजा ही दो यार। थैंक्स फॉर वॉच।